मेरे मम्मा का जा रही हूँ। हर रोज तो पी के मम्मा का जावे है। धूप हो रही, मुँह दिख रही है। मेरे मामा का घर, तो एंट्री होगी हमारी। चलो तो यहाँ पे हो रही थी बेबी के वेलकम की तैयारी। तो यहाँ पे जो है दोनों बुआ और जो है बड़े भैया के बच्चे हैं, ये देवांश और सुमंत, ये लगे हुए थे। तो यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे, थोड़ी सी छोटी सी। और ये देखो जी, ये गुब्बारे गुब्बारे फुला रहे थे। तो सारे बच्चे लगे हुए थे, तो हमें इसीलिए बुलाया था कि काम में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बुआ जी जो है हमारी घर पे नहीं है और ना ही बड़ी भाभी है। तो बड़ी भाभी जो है, जो छोटी भाभी है, उनके जो डिलीवरी हो रही है, उनके साथ में गए हुए हैं हॉस्पिटल। और बुआ जी भी और मामा जी गए हुए हैं और ड्यूटी पर जा रहे हैं हम, जो मेरे दोनों मामा के लड़के हैं। तो दोनों भाई जो हैं ड्यूटी पर गए हुए हैं अपने अपने काम पर। तो जो छोटे वाला भैया है, जिनकी वाइफ की डिलीवरी होगी, तो वो गया हुआ है सऊदी अरब। और जो बड़े भाई हैं, वे गए हुए हैं अपने ड्यूटी पर, तो वे यूपी पुलिस में हैं। तो इसलिए दोनों भाइयों में से कोई सा भी भैया नहीं घर था, तो इसलिए दोनों बुआ आ गई थी। तो ये बड़ी छोटी वाली बुआ है, ये फ्रॉक पहन रखा है रानी से कलर का, और ये क्रीम कलर के सूट में है। जो ये बड़ी वाली बुआ जी है, जो छोटा बेबी हुआ है उनकी, बड़ी और छोटी दोनों बुआ जी आ गई हैं। और यहाँ पे जो है बंद, जो चाचा जी की लड़की है मेरी, वो आई थी, और मैं और पेहू गोरी, हम तीनों चारों आए हुए थे यहाँ पर। डेकोरेशन, छोटा बाबू आएगा, हाँ उसका वेलकम होगा, उसका हैप्पी बर्थडे होगा अगर। हाँ हाँ, यहीं बैठ जाओ इतना। गुब्बारे खुला गए, वहाँ डाल चिपका गए, उधर ही उधर कहीं कहीं जल्दी सुधर। यहाँ पे दोनों बुआ लगी हुई थी, सोनिया दीदी और गुड्डन दीदी, और ये है बड़े भैया का बड़ा बेटा। और यहाँ पे बना रहे थे छोटा सा दिल, और बीच में रख देंगे टैडी। तो ये देखो, कुछ इस प्रकार से होगा हमारे छोटे से भतीजे का वेलकम। तो मैं भी बुआ बन गई हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई बुआ बन गए। और यहाँ पे तो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आ गए थे। वैसे तो गर्मी में ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो सारे बच्चे लगे हुए थे, कोई फूल तोड़ने के लिए, कोई फूल देने के लिए, कोई प्लेट सजाने के लिए, कोई कुछ कर रहा था, कोई पानी पिला रहा था। तो ऐसे ही सब लोग लगे हुए थे। तो जी, यहाँ पे गर्मी में गोरी हो रही थी बहुत ही ज़्यादा परेशान, तो इसलिए मैं इसको बैठ गई थी पंखे की हवा में लेके। तो बच्चों को बता रही थी फूल तोड़ने के लिए, तो एक भी जो है नहीं छोड़ना है, तो सारे तोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ थोड़ा सा हमारा हंसी मजाक चल रहा था डेकोरेशन करते हुए। तो हम जो है तीनों चारों बहनें लगी हुई थी हंसी मजाक करने के लिए। और गोरी, ये देखो जी, गोरी की कैसी हालत हो रही है गर्मी में।
बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी गोरी गर्मी में। चल भाई बॉडी काट, तू भी आ जा लाइन में, वो चल जा ना, मैं पकड़ दूंगी। याद है आने को पैसा आ रहा है, और ऐसी चीज में चला गया है, पता नहीं तो यहाँ पे जो है भाभी जी आ गई थी छोटे भतीजे को लेकर हमारे, तो यहाँ पे उनका जो है रिबन कटाई और गृह प्रवेश कराया था हमने छोटे बेबी का। तो जो है रिबन हमारा कट चुका है, और अब जो है हमने अपने नन्हे मुन्ने से भतीजे के जो है पैर छुपवा दिए हैं। देखो रुमाल ऊपर ही उठा लिया है, तो बच्चा है इसको ऐसे थोड़े ही वो किया जाएगा कि लिटा लेंगे, तो इसलिए इसके दोनों पैर पकड़ के हम जो है रुमाल पे लगवा दिए थे। तो ऐसे शुभ माना जाता है, तो जी चलो कुछ इस प्रकार से ही हुआ। तो गर्मी की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो इसलिए अच्छे से व्लॉग भी नहीं बन पाया। और बाहर गेट खोलने के बाद ना बाहर बहुत तेज़ धूप थी, तो इसलिए लाइट ही आ रही है, अच्छे से जो है व्लॉग भी नहीं बना। और ये देखो हमारा जो है रिबन कट गया है, तो भाभी जी का हो गया है वेलकम। तो अब धीरे धीरे लेकर चलते हैं भाभी जी के रूम में। भाभी जी हाँ छोटा सा बेबी आए हो गोरी की तरह।